गुड मॉर्निंग भाइयों, क्या हाल है। हम अपनी कंपनी के बेस में खड़े हैं, सुबह हो चुकी है, रात आए थे यहाँ। उधर सामने ट्रेलर खड़ा कर दिया था हमने, यहाँ से दूसरी जगह जाता है ट्रेलर। एक गाड़ी और खड़ी हो रही है हमारे बगल में। बाहर का सीन भाई है कुछ ऐसा, एक गाड़ी ये खड़ी है यार, बीचो बीच किसी ने ट्रक ट्रेलर खड़ा कर दिया है भाइयों। शिफ्ट कर लिया स्टार्ट, टैकोग्राफ डाल दिया है, अदर वर्क 7 मिनट का हो चुका है और अभी हम ट्रेलर जोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रेलर नहीं है। ये देखिए बाहर, अभी हमें ट्रेलर जोड़ना है और फिर अपना ट्रेला उधर 997L 997L रीफर चालू होगा। चौथे नंबर दा एक एक दो तीन ते और फोर्थ कर दिए यार पहले। पता लेट बूट भी पाना ये भी एड ब्लू भरेंगे। मशीन तक ला रही भाई पूरी। गाड़ी भाई बहुत गंदी हो रखी है। भाई कई बार क्या होता है कि जब हम एड ब्लू डालते हैं तो एड ब्लू ऐसे बहुत कम, एक एक दो दो बूंद करके आता है, तो इस तरीके से हमको पाइप मोड़ के रखना पड़ता है। जहाँ पे ये सही चलता है इसको छोड़ते रहते हैं, जहाँ पे सही चलता है उधर फिर पकड़ के रखना पड़ता है इसको एड ब्लू में। क्योंकि एड ब्लू में क्या होता है कि टंकी के अंदर एक मैग्नेट होती है, जब ये नोजल अंदर जाती है तो मैग्नेट से वो ऑपरेट होती है। लेकिन कई जगह पे प्रॉब्लम आती है हमको, बिल्कुल एक एक दो दो बूंद करके जो है एड ब्लू जाता है, तो हमको ये सेटिंग करनी पड़ती है। जहाँ पे सही चलता है वहीं पे पकड़ के रखना पड़ता है भाई। ट्रेलर तो जोड़ लिया है मैंने, हटा दो ब्रेक। अब हम इसको कर लेते हैं बैलेंस। ये बैलेंस का बटन है, इसे दबाएंगे तो ये हट दो मैं लाइव यहाँ दब दो, हटा दो, ये हो गया बैलेंस। ये देखिए अब इसको कर देंगे ऑफ, इसको यहाँ से दोबारा दबाएंगे, ये बैलेंस के लिए ऑटोमेटिक बैलेंस।
ले ऑफ हो गया, ट्रेलर गिर चुका है। टाटा नैनो की बहन, टू सीटर गाड़ी है। टायर पंचर हो गए थे, तो इस तरीके से जो है वैन आती है पंचर लगाने के लिए। एक आधा टायर कहीं इमरजेंसी में पंचर हो जाए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमारे ट्रेलर में जो है स्टेपनी होती है, एक ट्रक के लिए एक ट्रेलर के लिए। लेकिन अगर टायर फट जाए, स्टेपनी ना हो या कुछ भी हो, तो कंपनी इस तरीके से भेजती है मैकेनिक को, वो अपनी गाड़ी लेके आता है, गाड़ी में टायर वगैरह चेंज करके फिर चला जाता है। बंदे दस दिन ही मैं देखा, पता नहीं क्यों इदा करते भाई। और 9 घंटे का रेस्ट पड़ चुका है, हमने यहाँ के ट्रेलर काट दिया था क्योंकि हमारा रेस्ट पड़ गया था। तो हमारी कंपनी का कोई दूसरा ड्राइवर आया था, वो कंपनी अरेंज करती है, उसने हमारी गाड़ी खाली कराई और हमारा जो ट्रेलर है उधर साइड में खड़ा है, हमारी गाड़ी खाली हो गई है। अब जैसे ही हमारा 9 घंटे का रेस्ट पूरा हुआ, उसके बाद हम अपना ट्रेलर जोड़ेंगे और चल देंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी कंपनी के कुछ और भी इंडियन भाई आए हुए हैं और उन्होंने चाय पे इनवाइट किया है मेरे को, चलते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। भाई ट्रेलर अपना उधर खड़ा है, ये वाला, ये दूसरे वाला उधर वाला, अभी उसको जोड़ेंगे। अभी सिर्फ हमारा घोड़ा घोड़ा है इधर, ये अपनी कंपनी की गाड़ी है। चाय के लिए इनवाइट कराया है, अदरक वाली चाय पीते हैं, ठंड हो रही है स्वीडन में। सत श्रीकाल जी, की हाल चाल बचे, तुम सुनाओ कि हाल चाल जी, की हाल चाल। अदरक की खुशबू आ रही अद कर दी और सुनाओ, साढ़े यार बड़े वाला सिलेंडर मुक गया। जर्मनी जी कितों भरता पता कुछ सिलेंडर? जर्मनी कोऑर्डिनेट है घेर गए हां, बस रोड ते पैणे जाचे, इसे रोड ते पैणे जाचे, भराई थोड़ी बड़ी गैस ता ओना दा गैस भराने वास्ते जेड़ा ऊपर लगदा गुल्लू जिया ओथे मिल जंदा पेट्रोल पंप ते के मेरे को हैगा सब, पता नहीं कितने रख हो गया, केड़े आला लगदा चौड़े आला बोल गया वो जेड़ा लुथिनिया आला आ, लुथिनिया जे भरदा ओही सेम सेम ओथो नहीं मिलदा पेट्रोल पंप तो, ओ पंप तो नहीं मिलना भाई। सामने ट्रेलर देख रहे हो, इससे हमें अपना ट्रेलर चेंज करना है। अभी वो हटाएगा, हम जाके उधर अटैच करेंगे। अपना ट्रेलर हमने छोड़ दिया है, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ट्रेलर हमारा अलग ही खड़ा हुआ है, ट्रेलर हमने छोड़ दिया।
कलर छोड़ेंगे अभी। ये भी हमारी कंपनी है फ्रांस में, ये भी कहीं पे टेलर छोड़ देंगे हम। हेलो भाइयों, कैसे हो भाइयों? देखो कि ट्रक वॉश पे आया हूँ, ट्रक धुलवाने के लिए। ट्रक तो नहीं धुलवाना है कह रहे, क्योंकि कंपनी पूरा ट्रक नहीं धुलवाती है। वो जब हम अपनी कंपनी में जाते हैं तभी पूरा ट्रक धुला जाता है, लेकिन अभी अंदर से ट्रेलर गंदा था तो अभी अंदर से जो है ट्रेलर साफ कराया जा रहा है। ये देखिए आप, सारा पता सामने वाली पार्किंग से खड़े थे अभी। भाई लोडिंग पे आए थे बिल्कुल गांव में, देखो कच्ची रोड, देखो एकदम कच्ची रोड, पतले पतले रास्ते। भाई वीडियो बनाना भूल गया था। अब मेन बात यह है, यहाँ पे हमने करे हैं आलू लोड। अब हमारा जो एक्सल वेट है वो हो गया ज़्यादा, अभी डिस्पैचर को मैसेज भेजा है, डिस्पैचर अभी बताएगा चलना है कि नहीं चलना है, अनलोड करके दोबारा से लोड करनी है। भाई ट्रक ड्राइविंग में यूरोप में ये थोड़ी सी टेंशन रहती है, एक्सल वेट वगैरह ये सब देखना पड़ता है। तो भाई अभी बैठे हैं, अरे देखो बिल्कुल गाँव के बीच में कच्ची रोड है, वहां से लोड किया है। ये खेतों के बीच में ही है बिल्कुल, यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है, सड़क वालों ने अपना वो सामान रखा हुआ है। ये इधर बगल में कोई सड़क है उधर काम चल रहा है, अभी हम यहाँ से ऐसे इधर से जाएंगे कच्ची रोड से, बिल्कुल पतला रास्ता है, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इधर से ट्रेलर आ सकता है। तो यूरोप में बहुत पतली पतली रोड होती है भाई, ऐसे खेतों में जा जाके लोड करना पड़ता है। ये देखो पूरा सामान पड़ा हुआ है किसानों, ये देखो खेती का पूरा सामान पड़ा है वो देखो, उधर भी सब खेती का सामान है, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है ये सड़क बनाने वालों का जो है सिस्टम है सारा।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या किसी ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो या ब्लॉग डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, रब रखा।